या डुब्बा दिखाना, इन जलसों का मकसद यह है कौम की दुखती हुई रंग पे हाथ रखना, ताकि उन्हें एहसास हो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है। सिर्फ खाना कमाना सो जाना तोड़ पे हाथ फेरते रहते, इसका नाम जिंदगी है? ये तो जानवर भी करता है। इंसान दर्द इंसान के लिए पैदा किया गया, दर्द महसूस कीजिए। पांचों उंगली बराबर नहीं है साथियों, ऐसे ही हर इंसान बराबर नहीं। कोई 100 रुपया कमाता है, कोई 500 कमाता है, कोई 5,000 कमाता है, कोई 5,00,000 कमाता है। ये तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए 5,00,000 कमाने वालों 100 रुपया कमाने वाले की इज्जत करके उसके इज्जत नफ्स का सौदा मत करना, बल्कि उसे हौसला देना, कोई जरूरत है तो ले जाए। इस्लाम ये पैगाम देता है, मक्का से हिजरत करके जो लोग मदीना गए थे, घर बार दुकान जायदाद सब छोड़ के गए थे, मेरे नबी ने रिश्ते अखुवत कायम किया। किसी न किसी सहाबी मुहाजिर को अंसार सहाबी का भाई बनाया, भाई बना दिया तो मदीना के भाइयों ने अपने बाहर से आने वाले भाइयों के लिए क्या किया था? जिसके 2 मकान थे, एक मकान अपने भाई को दे, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने मुहाजिर भाई को दे दिया। यहां तक पढ़ा मैंने कि जिसकी 2 बीवियां थी, उनने कहा कि इसमें से जो पसंद आए तुमको उसको मैं तलाक दे देता हूं और इद्दत गुजरने के बाद तुम निकाल। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ की सहाबी के अखुवत के रिश्ते बदे थे, तो उन्होंने भी कुछ कहा कि ऐसा कर लीजिए, तो फरमाते हैं कि नहीं मेरे भाई, मुझे मदीने के बाजार का पता बता दो ताकि मैं जाके बिजनेस करूं, धंधा करूं और अल्लाह बरकत देगा हमारे धंधे में। तो उनको मदीने के बाजार का पता बताया गया, तो धंधा करे इतना मालदार बन गया वो, इतना मालदार हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ मदीने के सबसे ज्यादा दौलतमंदों की फहरिस्त में आ गया। इस्लाम पैसा कमाने से मना नहीं करता है, खूब कमाओ, खूब मेहनत करो। अगर मेहनत नहीं करके कमाओगे, पैसे नहीं होंगे, तो मंगते बन जाओगे। इस्लाम मंगता बनने से मना करता है। कमाओगे नहीं तो ज़कात कैसे दोगे, कमाओगे नहीं तो मस्जिदों में ताउन कैसे करोगे, कमाओगे नहीं तो मदरसों का ताउन कैसे करोगे, कमाओगे नहीं तो गरीबों की मदद कैसे करोगे। अरे यार, कमा कमा के हजरत उस्मान ने पैसा देके जन्नत खरीदी, वो भी एक मर्तबा नहीं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरे उस्मान ने पैसा देके 2 बार जन्नत खरीदी है। गोरखपुर के लोगों, क्या तुम भी खरीद सकते हो? क्या हम और आप भी खरीद सकते हैं? ये एजाज हजरत उस्मान को हासिल है, पैसा देके जन्नत खरीद लेती है। और पैसा कहां दिया था? जन्नत नबी के हाथ पर रखा था, दीन मुस्तफा के तरबियत और इरशाद के लिए, तबलीगे दीन के लिए, गजबे में जाने वाले मुजाहिदीन के लिए पैसा देके जन्नत खरीद ली। आज हम मदरसों में पैसा लगाते हैं, मस्जिदों में पैसा लगाते हैं। अगर हमारा ये पैसा जायज हक हलाल का है और दिल में इखलास है, मैं इंशाल्लाह रब के रहमत से ये उम्मीद करता हूं तुम भी जन्नत खरीद सकते हो। दिल साफ करो, दिल इस्लाम कपड़ा साफ करने का हुक्म नहीं कि बहुत ज्यादा चकचका बारवा रखो कपड़ा साफ करके, ना ना पुराना चल जाएगा, दिल साफ करना। कपड़े मैले हैं तो कोई बात नहीं, दिल मैला नहीं होना चाहिए। अल्लाह फरमाता यो मला यंखो मालू मला पड़ू इल्ला मन अतल्लाह बिकल्ब सही। मैदान कयामत में तुम्हारी औलादें और तुम्हारा माल तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा। हाँ,
सलामत रहा है ना, एकदम चकाचक रहा है, तो कामयाब बनकर आ गया है। टटोलो अपने दिल को सलामत है कि नहीं, पढ़ाओ अपने बच्चों को। लेकिन कॉलेज की चौखट पर बच्चों और बच्चियों को पहचाने से पहले उन्हें ढंग का मुसलमान बनाओ, ढंग का मुसलमान। समझ रहे हैं? जैसा कि मैंने व्यास किया ना कि 14% हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स जो है ड्रॉप आउट कर जाते हैं 12वीं पास करने के बाद। बच्चियां किसी हद तक ज्यादा पढ़ने में सक्षम होती है तो वो पढ़ते 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 ये महाराजा जो है इधर नीचे आ गए, 12वीं पढ़ते पढ़ते यूं आने लगे, और बहन पढ़ते पढ़ते यूं जाए जाएंगे ऊपर। जब वो पढ़ लिख करके इतनी ऊंचाई पर पहुंचे ना तो वो अपने ही मेयार का दुबला ढोलती है, अपने मेयार का, उसी पढ़ाई के मेयार का अपना जोड़ा ढोलती है, कैरियर बनाने के धुन ने उसे ऐसा पकड़ा दिया है कि मुस्लिम कम्युनिटी में उस मेयार का कोई पढ़ा लिखा नहीं मिलता है। फिर नतीजा क्या होता है उसे आप जानते हैं। अभी लेटेस्ट 10-12 दिन की पहले की बात है, डॉक्टर साहब मुस्लिम फैमिली के अपनी गुड़िया के बहुत बड़ा पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, और उसी डॉक्टर बनते बनते वो भाग करके किसी से शादी कर ली। महोदय जी ने जाकर के कंप्लेन करी पुलिस स्टेशन, गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो पुलिस ने ढूंढ निकाला तो दोनों मियां बीवी तशरीफ लाए। वो अपने मांग में सदूर भरे हुए थी और तले में हार माला डाली हुई थी। अब वो महोदय जी डॉक्टर साहब, अरे मेरी बेटी दादी जी, अरे झिल दिगर मुर्दा तले जी, मान जा मान जा। लाखों रुपए बर्बाद करने वाले ओ डॉक्टरों, अपनी बेटियों को तुमने दीन नहीं सिखाया ना, तो ऐसे ही बेटियां बापों की कुर्बानियों पर लात मार देते हैं। है कोई राहे ना इसकी दवा हमारी बरादरी के पास, ना हमारे दौलतमंदों के पास, ना हमारी कौम के पास। इसलिए कि सब या रब्बी नफसी नफसी नफसी, मैं मेरा बच्चा मेरा घर, दुनिया चले बार बार। इस्लाम ये मैसेज देता है कुल मोमिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई है। अगर मस्जिद में रहने वाले मुसलमान के पैर में कांटा चुभ जाए तो मगरिब में रहने वाले मुसलमान को दर्द की टीस महसूस कर पढ़ाइयां आसानी से नहीं होती। आप सोचते हो यार ये मौलाना लोग क्या बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, टोपी माशाल्लाह चकाचक रहता है, 5,000 रुपए लीटर तनख्वाह देते हो इमाम साहब को, हजरत आप अजान भी कभी कभी देते हैं, ये भी सिलसिले हैं, अजान भी दे दीजिए और हजरत थोड़ा ये पंखवाओं का तो ठीक ठाक करवा ले, दरवाजा भी आप ही बंद कीजिएगा, कहते हैं 5,000 रुपए ले। यही वजह है कि हमारी नमाजों में कोई दम नहीं रहा, बेचारा इमाम क्या करे। नियत बात तैयार ना, नियत की मैंने 4 रकात ज़ुहर की वास्ते अल्लाह के, मेरा गवाह शरीफ तरफ अल्लाहु अकबर, सब तो खड़े इस इरादे में इमाम साहब के पीछे पीछे इस इमाम के, मेरा गवाह शरीफ तरफ अल्लाहु अकबर। अब इमाम साहब नियत बांधने के बाद या अल्लाह पेट्रोल 107 रुपये लीटर है, या अल्लाह टमाटर 40 रुपये, अरहर की दाल 200 रुपए किलो, या अल्लाह सरसों का तेल भी 200 रुपए किलो, या अल्लाह बच्चे की चीज जमा करनी, अल्लाह 4 रकात वाली नमाज कभी 3 मिनट लगा दे, कभी तो क्या करता है, अरे इमाम साहब दो पाले अब क्या करें, लेकर लेकर सो लग गया, अरे धन की तनख्वाह
एक आम मैंने इमाम की कोई बात सुनी थी, कहीं पढ़ी थी। सरपंच साहब ने कहा, इमाम साहब अगर आपने 5 साल नमाज पढ़ा दी ना, एक मुर्रा भेज देंगे इनाम में आपका। मुर्रा समझते हैं, बढ़िया वाली हरियाणा वाली भैंस, पूरा बढ़िया वाली भैंस देंगे इनाम में आपका। ठीक है, पढ़ा देंगे। 5 साल तक इमाम ने बड़ी मेहनत से नमाज पढ़ाई, 5 साल पूरे कर लिए तो आया सरपंच साहब, वो 5 साल पूरे हो गए, भैंसे तो दे दीजिए। हाँ, तो मैंने आपको नमाजी बनाने के लिए कहा था। अच्छा, तो फिर सुन लीजिए, हमने भी बेवजू रखा दिया 5 साल, पढ़ लो बेटे 5 साल। उसके भी नहीं बच्चे और न जानते फिर क्या करेगा। ऐसी तावीज बनाएगा 5100 की है, 11000 की है, सदर साहब की बेगम तुम भी नंबर दो, सेक्रेटरी साहब की वाला वो भी आएगी, तो तावीज दे दिए, फिर रेट फिक्स हो जाएगी 51,000 से लेकर के 11,000, 21,000, 25,000, 5,000। अगर तनख्वाह लोग नहीं देते हैं तो मेरी तरफ से खुल छूट है इमामों को, बढ़िया बढ़िया तावीज बनाएंगे। चक्कर में पड़ेंगे अपने, तुर्रम खा बनेंगे, शादी आएगी तो लगता फिरौन बन गए, इतना पैसा खर्च करेंगे। कोई जीने का हक तो लगता है यार, आप रोजाना देसी घी में पराठा तल के खाइए तो इमाम साहब दोस्त तो खा सकते हैं, चाय और दोस्त तो खा सकते हैं यार, क्या जरूरत है इन्हें, क्या इनको धंधा करना नहीं आता है। पूरी बै की सारी किस्में ये पढ़ते पढ़ते हैं, बाबुल गुलू बै सलाम बै दिन बै मुजारबा बै ताती और कब बै मुनकिद होती है, कब फंस हो जाती है, ये सब पढ़ते पढ़ाते हैं, समझ रहे हैं। इनको पता धंधा कैसे किया जाता है, लेकिन अगर सब धंधा करने लग जाएंगे ना तो रसूलुल्लाह का घर जो है आवाम नहीं होता है। मस्जिदों में जो आवाज सुनो ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये गुल हो जाएगी आवाज। आज जो मीनारों से आवाज आती है ये मदरसों की देन है, मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं मदरसों की देन है, पेशानियों में सजदों का निशान महफूज है तो मदरसों की देन है, सरों पे टोपियां जिंदाबाद है मदरसों की देन है, दिल में कलमे की रोशनी है ये मदरसों की देन है। अगर ये मदरसे ना रहे तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। वैसे भी वो निशाने पे मदरसे हैं, कागज दिखाओ, फाइल दिखाओ, मदरसीन की जान आके बेटे इसमें बम भर देगी, बम कहाँ रखा, मिसाइल कहाँ रखी हुई, अरे जहां यार रोटी के लाले पड़े हुए हैं, चटाई पिटाई कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, बार बार तीने गुंबा जोड़ा, कहीं खिड़की लग गई है तो दरवाजा लग गया, दरवाजा लग गया तो खिड़की गायब है, दूसरे खाने में जाइए तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हालत हमारे मदरसों की है, हमने अपना घर क्या शानदार घर का तो ये झूमर चार लाख का झूमर ले गया है, देखा मैं सटिया में सेट से 5 लाख का झूमर, हर घर में अलग अलग रंग का झूमर, ओ 5-5 करोड़ की मस्जिदें बनाने वालों, 56 की मस्जिद रखो इमाम बनकर, हाँ बूंदा खाना मत रखना इमाम, इल्म वाला रखो, जो वक्त पढ़ने पे अगर तुम गलत काम करते हो तुम्हारा हाथ डार्क साइड में, ये जुरात कब पैदा होगी जब पढ़ा लिखा इमाम। हाँ, अक्सर बेचारे ऐसे ही दुनिया वाले हैं, लोग चाहते हैं यार ऐसा ही ढूंढ लो जो कुछ बोले ना। हाँ, कभी शादी में गाना बजाना ढोलक ढोलक लेके करते नहीं करते, 3-3 चैत्र पर रात से औरतें, हाँ बगैर बहर बगैर रदीब बगैर काफिया के ऐसे गाने कम बहुत कहीं मिलते ही नहीं, और सारे शायर, अरे हजरत इतने बैठे थे जयपुर कि कहीं टीम जा रही थी कि वो एक कभी चली थी यात्रा को चली थी लोगों की, एक ट्रेन फ्री कर दी गई थी यात्रा के लिए, तो बैठ प्रमो पे सारी औरतें बैठी थी 15-20 यहाँ
शुरू हो। अच्छा, एक शेर इतना छोटा होता, एक शेर इतना बड़ा होता, तो वो राग मिला के कहीं कहीं। अच्छा, ऐसे आता भी नहीं, वो एक दूसरे का मुंह देखती है, इसका कितना फैलता है। हम बैठे बैठे देखते रहे और हंसते रहे, क्या कह रहे हैं ये। असली हम तकरीरें याद नहीं करते हैं, तकरीरें ढूंढते हैं, तो तकरीर बन जाती है। उन्हीं बातों को उठा करके कुरान और हदीस से कंपेयर करके जो क्लीन सामान होता है आपके सामने पेश करते हैं। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी जमा मस्जिद में एक घंटा की तकरीर हजुमा दुआ है, एक घंटा की। और जो जरूरत होती है ना, वो बार बार अक्सर बेशतर होता यह है कि हर महीने में कुछ बुजुर्ग का तौर सा ही जाता है, तो इमाम क्या सोचता है, अच्छा चार जुम्मा आया वो फलाने बुजुर्ग, पहला जुम्मा उनका, दूसरा उनका, तीसरा उसको कदम खाने का जुम्मा गया, 15 मिनट में 20 मिनट एक दो करामत ढूंढ लिया, पता नहीं जुम्मा चला गया चार जुम्मा। फिर अगले जुम्मा, यानी अगर 800 को 365 दिन पे डिवाइड किया जाए, एक एक दिन के हिस्से में 100-100, 200-200 रोज आएंगे। लंगटिया बाबा, गूंगे बाबा, महाराज जी, फलाने ढकाने, किसी का नाम ही नहीं, गैबन शाह, लुटन शाह, पुट्टन शाह, यही काम रहेगा सुन्नियों का। कान खोल के सुन लो सुन्नियों, इतना है जिस तारीख में जितने बजे उस बुजुर्ग का इंतकाल हुआ है, उतने बजे उस तारीख में उसके लिए ईसा ने सवाब का, बस इतना ही उर्स है, बकिया सब धंधा और कारोबार है, सब धंधा और कारोबार। और हमारे यहाँ अल्लाह पर इतने रुपये खर्च होते हैं, दुकानें सज गई है पराठे की, इधर भी हाँ जी सजी हुई है पराठों में, आओ खाओ मेरा ना क्या मेरा। अल्लाह तेरी गुनाह क्या हो गया हमारी कौम पर, क्या ये सारे पैसे जो बुजुर्गों के उर्स पे बर्बाद किए जाते हैं, खरबों रुपए इनको इकट्ठा करके क्या हमारी कौम, मुस्लिम कौम के लिए हर हर जिले में एक बेहतर अस्पताल नहीं बना सकती, हर जिले में एक कॉलेज नहीं बना सकती है, कम से कम स्टेट लेवल पर 19 स्टेट में हमारा सुन्नी 29 यूनिवर्सिटी बना सकता है, अगर साल भर के इस तरह के पैसे होते। अल्लाह कभी नहीं पूछेगा तुम ख्वाजा का उर्स किए थे कि नहीं किए थे, अजमेर गए थे कि नहीं गए थे, अल्लाह कभी नहीं पूछेगा, मगर अल्लाह ये जरूर पूछेगा तेरी कौम के गरीब लोगों को, ओ मर्दा तेरी जरूरत थी, तू कहां मर गया था। बेशक हक है, तैयारी करने की, जवाब देने की। मालदारों जब अपने बच्चियों की शादियां करो ना, तो उसी में 2-4 गरीब बच्चियों की शादियां सुलटा दिया गया, जिनके पैसे ऐसे जो बच्चियां अपने माँ बाप के लिए रात भर रो रो कर जा करके बाप और माँ अपने बच्चियों के लिए दुआएं करता, कोई रास्ता निकाल दे, कोई इंतजाम कर दे उन बच्चियों की शादी के लिए, आप कुछ भी क्या दिक्कत करते हैं, पैसे खर्च करके कौन कौन बन जाएगा। एक गरीब कौम के अकेले मालदार कहलाया गया, ये मुसलमान कौम बड़ी गरीब है, उसी कौम का एक मालदार। इस्लाम क्या कहता है, अपनी रोटी मिल बांट के खाइए। मैं तकरीर खिला रहा हूं, तकरीर मेरी कितनी देर के हो, 1 घंटे से ऊपर, 1 घंटा हो गई हाँ जी,
फुल स्टॉप लगा दो मेरे ख्याल से, वरना हाजमा खराब हो रहा है। थोड़ा देर महलों में नौजवानों की कमेटी बनी हुई। जी जी बन जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं ना उनका सर्वे के लिए पकड़ के लाएंगे। साक्षरता अभियान चल रहा है, हुकूमत भी मेहनत करती है ना। अंगूठा टेप हे लाए गाय भैंस चराएंगे भी पढ़ने जाएंगे। सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। तुम आज जागे हो, इस्लाम के पैगंबर ने 1400 साल पहले ये नारा दिया। क्या बात है। अलमिया यह है जिस पैगंबर ने इल्म की अलख जगाई थी, उस पैगंबर के मानने वालों ने रोशनी का मुसाफिर होने से इनकार कर दिया। बड़ी बड़ी कोई बच्चा खेत का बिना घसीट के लाता है। और मौलाना लोगों से अदब से गुजारिश है, बच्चों की पिटाई पिटाई बंद किया। हाँ पहले क्या होता था, अब्बा जब लेके जाते थे मदरसे के पास तो क्या कहते रहते, हड्डी हड्डी हमारी है, चमड़ा गोश्त हमारा। अगर तो पहले तैयार बैठे थे तो बड़ा बहुत कुटाई बहुत कुटाई। अब्बा जी ने तो कह दिया कि हड्डी हमारी दे देना, गोश्त हमारा खलिया लेना। ऐसा मार दे कोई धोबी का गधा गुम हो गया हो ना, और बहुत ढूंढने के बाद मिले तो गधा का धोबी के क्या करता है, मोटका सा मोर मार के मार मार के गधे को और दिखा देता है। तो बड़ा थी धूम से मारते थे, धूम से पिटाई करते थे, बेदर्दी के से। बंद कीजिए, पिटाई का दौर नहीं है, प्यार से पढ़ाई बच्चों, मोहब्बत से पढ़ाई, प्रोग्रेस करने के लिए हौसला पैदा कीजिए बच्चों के लिए। जोर अभी देखिए ना, हुकूमतों ने लक्ष्य दिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चे पढ़े क्लास में या ना पढ़े, इन्हें खेल खेल में पढ़ाई। तो खेलने के टॉयज कुछ गर्ल्स कुछ घोड़े कुछ हाथी वगैरह खिलौने लाके रखे गए हैं। 3-3 साल के बच्चे 3.5 साल के बच्चे लाके तो उसी में जो ट्विटर होते हैं पढ़ाने वाले, जो अतालीफ होते हैं, जो छोटे छोटे मास्टर होते हैं, लेकिन है चीनी होती है, कुछ लेडीज होती हैं औरतें, तो खेलते खेलते उनको पढ़ाती रहती है। उसी में उसका नाम याद करा देती हैं, ये गोट पड़े गोट बकरी फिर हंसाएगा बकरिया बकरिया, जिसको तुम बेटे मेमी मेमी कहते हैं, ये गोट है। इस तरह से घोड़ा इन सब की स्पेलिंग खेल खेल में सिखाते हैं। हमारे यहाँ अभी एक साहब ने वीडियो भेजी हुई, दो मुतरिस बैठे हैं, 25 बच्चे यहाँ 25 बच्चे यहाँ, एक का हाथ पकड़ लिया है कदा मार रहे थे, गधा मार रहा छोड़ पे नहीं जाएंगे, बेचारा रोए जा रहा है चिल्लाए जा रहा है। कैसे भी तो देख लो बच्चे की यार 5 साल का बच्चा है, ये दर्द नहीं झेल सकता है। बच्चे अगर मदरसों को बैतुल जर्म समझ ले तो कभी नहीं बनेंगे। बच्चों को ज्यादा प्यार घर से ज्यादा प्यार मदरसे मिलेगा तो घर नहीं रुकेंगे मदरसे में। कुछ ऐसी ललासा पैदा कीजिए बच्चों का। बस ये चंद गुजारिशात थी, उल्टी पुल्टी सुलटी नमकीन कड़वी थोड़ी मीठी खड़ी मिट्टी, हजम कर लीजिएगा, पानी वानी पी करके अल्लाह बरकत दे देगा, अल्लाह इस इदारे को सलामत रखे। आप सब नमाज 5 वक्त की पढ़िएगा, वरना रात भर चिल्ला ना कीजिए काम का नहीं है भाई साहब, समझ रहे हो। ये आपकी पर्सनल पूंजी है जो नॉमिनी को भी नहीं मिलेगी, बकिया तो सब नौ बनी ले जाएगी। अगर अचानक आपकी डेथ हो गई ना तो बैंक का सारा पैसा नॉमिनी, फिक्स डिपॉजिट नॉमिनी, लाइफ इंश्योरेंस नॉमिनी। आपका क्या है, सुन बंदे तेरा रब कहता फमन शाह खदाइला रब्बी ही माबा, मरने से पहले कुछ कर ले लिया। नमाज तुम्हारी है, तुम्हारे काम आएगी, इसलिए हर काम
छोड़ के पहले फुर्सत में नमाज पढ़ लिया करो। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह इस इदारे को शादो आबाद रखे, यहाँ के जिम्मेदार